हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि बारिश का मानसून लग चुका है, तो आज जो है मेरे को जाना था 2 बजे मार्केट, और अभी का टाइम हो रहा है 3:30 और मैं निकल रहा हूँ मार्केट के लिए। हाँ, लेट हो जाऊँ मैं इस चक्कर में था कि बारिश कम होगी तो मैं निकल लूँगा, पर बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही, तो तेज़ बारिश में निकल रहा हूँ और जादू बन के आज घर से ही निकल रहा हूँ। तो आज मैं घर से ही पन्नी डाल के जा रहा हूँ और अभी चलते हैं मार्केट की ओर और देखते हैं रोडों के क्या हाल समाचार है, क्योंकि कल पूरी रात और आज पूरा दिन भर भाई बारिश है और कुछ नहीं, बस बारिश 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 लगी हुई है। तो चलो आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या सीन है आज का। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ना लैंडस्लाइड एरिया बन चुका है, तो पिछली बार में मतलब जो पिछले कल वाले ब्लॉग में था तो उसमें ये पत्थर हल्के हल्के थे, और आज देखो पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो चुकी है, तो कुछ इस तरह का सीन है। आगे से दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये कुछ सीन हो चुका है यहाँ पे, और ख़तरनाक भाई, इतने सारे पत्थर आ चुके हैं बड़े बड़े। शुक्र मनाओ कि किसी की गाड़ी के ऊपर ना गिरे, गिरे नहीं। ये कुछ सीन है अभी का, रोड हो चुकी है यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लॉक टाइप में, पेड़ फूट सब आ चुके हैं नीचे, खतरनाक सीन। ऐसी ना जाने रास्ते में कितनी लैंडस्लाइड आएंगी अब, क्योंकि बरसात के मौसम में ना ऐसी होता है पहाड़ों। आगे चल के भी दिखाते हैं आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बरसात होता है, और बढ़ेरे नालों में जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि रोड हो चुकी है पूरी की पूरी बंद, मतलब कि आते टाइम नहीं हो रही थी बंद, और अभी का हाल देखो, मतलब कि जो थोड़ी सी जगह बची थी ना वो भी पूरी कैप्चर हो चुकी है। तो यहाँ पर से पहले पत्थर हटाएंगे, कहीं ऊपर से कुछ और ना आ जाए। अंश तो पकड़, अंश को पकड़, पत्थर हटाने दे, इधर बना। हाँ यहाँ पे ठीक है वो। तो गाइस, अपनी बाइक कितने में निकल जाएगी? ऊपर से नहीं, पूरा आने वाला है। बाप रे, अब तो सुख ही बचा है। तो ये तो हिलाए भी नहीं जाएंगे। हो गया कल्याण। क्या फायदा मेरे उसको गिरा के? वो हेलमेट का भी हो गया कल्याण। पता है मुझे इस। तो गाइज, हमने तो निकाल दी अपनी बाइक, अब जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसकी रेल बनने वाली भाई, मुश्किल निकलेगी यहाँ से। जब तक जेसीबी भी नहीं आएगा तब तक तो क्या ही ठीक होगा। चलो हमसे बैठ पकड़ा। नदी भी उफान पे है। अब जाएगी गाड़ी। तो भाई गाड़ी भी आ गई, अब देखते हैं क्या होता है। बड़ा टांग है रे, बड़ा टांग है आगे।
हेलो हेलो भाई, हम तो निकलते हैं घर क्योंकि रोड तो ऐसा साफ होने वाली नहीं, आज में से उठाने वाले पत्थर है भी नहीं, बारिश काफ़ी तेज लग गई, घर में मिलते हैं आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है सैटरडे और सैटरडे को भी आज मतलब कि कल तो बारिश थी पूरे दिन भर और आज ही पूरी बारिश है, चारों ओर फॉग ही फॉग लगी है। तो ये कुछ है अभी मॉर्निंग का हाल। और बाकी जैसे पहले रोड दिखाई वहाँ पर पूरा लैंड स्लाइड आ रहा है, शाम को मैंने जाना है 1-2 बजे के आसपास, तो वो तभी पता चलेगा कि कितनी ख़तरनाक लैंड स्लाइड फिर से आ चुकी है रोडों में। वहाँ पे तो है ही है अगर जेसीबी नहीं आई होगी तो। गाइस, एक तो सेब का पेड़ था वो भी सारा का सारा खा लिया भाई चिड़ियों ने, तो जितने भी कच्चे सेब है सब निकाल देते हैं। इनको भी गाड़ दो ना, गाड़ दो सभी। तौल तौल छेंच यार, तौल तौल बचे छेंच सेब, इधर मैं थकती हूँ। एक दो खपट खान, तो इतने बड़े बड़े सेब लगे चिड़ियों ने सब नुकसान कर दिए।